हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिज्ञासा। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे अपने वीडियो में, दैट इज मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। हमने ऑलरेडी जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ लिया है या फिर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है जिसमें व्हाट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, वो हमने डिटेल में बताया है। तो यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो ऑल्सो। आप एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ने से पहले आप जॉइंट स्टॉक कंपनी का इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा। नाउ आज हम डायरेक्टली सीधे आते हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो मेरिट्स में हम जब जाते हैं तो फर्स्ट हमारा जो मेरिट होता है दैट इज लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेस। नाउ जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन रेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एंड कैपिटल बाय इशूइंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स टू द पब्लिक। हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी में पढ़ा है कि हमारा जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है उसमें जो पैसा आता है, जो फाइनेंस आता है कंपनी में उस बिजनेस को चलाने के लिए, दैट हैज बीन रेज्ड बाय द शेयर होल्डिंग्स या शेयर होल्डर्स, या जो उस बड़ा सा अमाउंट होता है उसको हम स्मॉल डिनोमिनेशन में डिवाइड कर देते हैं और उस स्मॉल डिनोमिनेशन को पब्लिक अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली खरीदती है या इन्वेस्टर अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली खरीदता है और वो एक लार्ज सम बन जाता है जिसको कि वो कंपनी एज देयर कैपिटल यूज करती है। तो इसके पास क्या कैपिटल बहुत सारा होता है, क्योंकि हमने कहा कि इसके जो शेयर्स होते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने अपना शेयर इशू किया 20 रुपीज का या हम 100 रुपीज का मान लेते हैं, और मिनिमम लॉट आपने कहा कि 10 शेयर्स मिनिमम लॉट में आप बेच सकते हैं, ठीक है। तो जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी दैट इज ओनली 1000 रुपीज। अगर कोई भी अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, अगर उसके पास 1000 रुपए भी है, देन स्टिल ही कैन इन्वेस्ट इन दैट कंपनी और उस कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो फिर प्रॉफिट शेयरिंग उसको मिलती है। तो वी से कि कैपिटल जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है उसके पास लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं बिकॉज उनका जो पैसा आता है दैट हैज बीन जनरेटेड बाय शेयर्स एंड डिबेंचर्स। डिबेंचर्स आर बेसिकली लोन टू द कंपनी जिसके बदले में उनको इंटरेस्ट पे किया जाता है। Now, capital of the company is divided into shares of small denominations, 20 rupees का हो सकता है, 50 rupees का हो सकता है, 100 rupees का हो सकता है, 500 का हो सकता है। It totally depends कि company कितने amount का अपना share बना रही है, which attract persons for investment with a small income also. So, which means that हमारा ये जो joint stock company होती है इसमें small denominations के shares होते हैं जो बहुत सारे लोग की कैपेसिटी होती है कि वो उसे परचेस कर सके, या जो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली जितना भी इन्वेस्ट करना चाहता है वो इन्वेस्ट कर सकता है। इसलिए उस ऑर्गेनाइजेशन के पास में क्या होता है, बहुत सारा पैसा हो जाता है। द ईज विद विच द इन्वेस्टर कैन ट्रांसफर हिज शेयर होल्डिंग्स टू अनदर अट्रैक्शन फॉर द इन्वेस्टर। एक और इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि ये जो हमने शेयर्स लिए हैं, मान लो 1000 रुपए का मैंने एक शेयर लिया है और मेरे को कभी भी लगता है कि आई नीड द मनी, मेरे को उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो मैं उसको कभी भी बेच भी सकती हूँ। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द अट्रैक्शन फॉर द शेयर होल्डर्स कि वो कभी भी पैसा लगा सकते हैं और कभी भी जब उनको पैसे की रिक्वायरमेंट हो वो तुरंत लिक्विड में कन्वर्जन हो जाता है। दैट इज वाई वी से कि कंपनीज में लोग या अपने शेयर्स खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो जाते हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। Last once and this is also one of the attraction for the investors कि उनको जब पैसा चाहिए होगा तब उन्हें वापस भी मिल जाएगा। So another attraction for the investor to raise vast funds to undertake its business activities from a proposition of strength. So which means that सबसे इसका important advantage क्या है कि it can generate large financial resources, या हम ये कह सकते हैं कि जो भी अपना लार्ज मतलब बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, यू कैन स्टार्ट विद दिस जॉइंट स्टॉक कंपनी बिकॉज यू कैन इश्यू द शेयर्स एंड यू विल गेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज व्हिच मींस दैट इट इज अ बिग बिजनेस। नाउ सेकंड इसका एडवांटेज है लिमिटेड लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय देम। The private property is not attachable to recover the dues of the company. इसका मतलब क्या है?
लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है इन केस ऑफ हमने सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप में पढ़ा है कि मान लो अगर एक बिजनेस लॉस में आ जाता है तो लॉस में आने के बाद में जो सोल प्रोप्राइटर होता है या जो पार्टनरशिप होती है उसमें उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, मान लो उनका घर है, गाड़ी है, बंगला है, ज्वेलरी है, जो भी है, अगर वो लॉस में आ जाते हैं तो दे हैव टू सेल ऑफ देयर पर्सनल प्रॉपर्टी एंड पे देयर दिस लायबिलिटीज। उनको अपनी लायबिलिटीज को खत्म करने के लिए अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचना पड़ता है। बट इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, हमने शेयर्स खरीदे हैं, मान लो मैंने शेयर खरीदा 1000 रुपए का, अगर मैं अपना 1000 रुपए, मेरी जो लायबिलिटी है वो सिर्फ 1000 रुपए तक लिमिटेड है, मेरी मैंने अगर अपना 1000 रुपए पे कर दिया कंपनी को तो उसके बाद मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है, कंपनी लॉस में जाएगी, देन स्टिल आई डोंट हैव एनी रिस्क, मेरा जो रिस्क है वो सिर्फ 1000 रुपए तक है, और अगर प्रॉफिट में जाएगी तो आई एम सपोज टू गेट सम प्रॉफिट शेयरिंग होगी शेयर होल्डर्स के साथ, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इन जॉइंट स्टॉक कंपनी जो लायबिलिटी ऑफ द शेयर्स होते हैं दैट इज ओनली लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम, उन्होंने जितने का शेयर खरीदा है उतने ही अमाउंट तक उनकी लायबिलिटी है, उससे ज्यादा उन्हें उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी लॉस में भी जाती है तो उनकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, गाड़ी बंगला घर, वो सारी चीजें, उस पर कोई भी रिस्क नहीं है, उसको कोई भी टच नहीं करेगा टू रिकवर द ड्यूज ऑफ द कंपनी। Thus, this form of organization is a great attraction to persons who are not willing to take risks. So, हमारा जो रिस्क है वो बहुत कम रहता है. As it inherited in other forms of organization such as sole proprietorship and partnership, as they do not possess the feature of limited liability. Sole proprietorship and partnership में भी already हमने video बनाया हुआ है. What is sole proprietorship? What is partnership? What are their advantages, disadvantages, essential features? आप उसको भी पढ़ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूटी कंपनी। हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी के जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो हमने ये भी पढ़ा है कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ एंड एंजॉयिंग अ डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट पर्सनालिटी ऑफ इट्स ओन इज नॉट अफेक्टेड बाय द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ इट्स। इसका मतलब होता है कि कंपनी, जब हम एक कंपनी बनाते हैं, जब एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है तो उस कंपनी को बनाने के लिए कंपनी से एक्चुअली हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने होते हैं, हमें बहुत सारे फॉर्मेलिटीज सबमिट कर पूरी करनी होती है, उसके बाद एक कंपनी डेवलप होती है, उस कंपनी को हम एक नाम देते हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल ABC कंपनी हमने बनाई तो उसकी जो एग्जिस्टेंस होती है वो सेपरेट हो जाती है, अलग हो जाती है, उसका और उसके मेंबर्स दोनों अलग अलग होते हैं। ABC इन कंपनी एक कंपनी है जिसके पास अपना कैपेसिटी होती है, या फिर वो एक आर्टिफिशियल पर्सन हम बनाते हैं जो कि लॉ के द्वारा बनाया गया होता है, उसकी कोई अपनी, हम कह सकते हैं कि वो टेंजिबल नहीं है बट स्टिल उसकी अपनी एग्जिस्टेंस होती है जो लॉ में पूरी, वो अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और उसके अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज होते हैं। तो वो एक इंडिविजुअल बिजनेस एंड बिजनेसमैन, इसके द्वारा भी जब हम कंपनी को रजिस्टर करवा देते हैं तो उससे बिजनेस अलग हो जाता है, बिजनेसमैन अलग हो जाता है, बिजनेस अपना चल रहा होता है जिसको मैनेजिंग डायरेक्टर्स लोग चला रहे होते हैं, बिजनेसमैन अलग होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये कंपनी किसी के भी आने जाने से, मान लो इसके बिजनेस में जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स है उनकी डेथ हो जाती है, या वो इंसेन हो जाते हैं, या वो छोड़ के चले जाते हैं, या फिर उसके शेयर होल्डर्स कोई भी छोड़ के चला जाता है, या कोई भी न्यू एंट्रेंट करता है, उससे ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन एक लंबे समय तक चलती रहती है। एज कम्पेयर टू, अगर हम इसे कंपेयर करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप से, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, अगर मान लो सोल प्रोप्राइटर है उसके बिजनेस में कोई भी, उसको उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, मान लो उसकी डेथ हो जाती है, या वो इंसेन हो जाता है, या वो मेडिकली अनफिट हो जाता है, तो उसे अपना बिजनेस बंद करना पड़ता है। इन द सेम केस पार्टनरशिप होता है, पार्टनरशिप में भी इवन अगर एक भी पार्टनर कैपेबल नहीं होता है या ही डोंट वांट टू कंटिन्यू विद द बिजनेस, उस बिजनेस को डिसॉल्व किया जाता है। बट इन केस ऑफ दिस जॉइंट स्टॉक कंपनी, जब एक आर्टिफिशियल पर्सन बनके तैयार हो जाता है,
तो वो उसकी जो उसमें जो काम कर रहे हैं लोग, उनके उसके मैनेजिंग डायरेक्टर्स, इवन उसके प्रमोटर्स, उसको छोड़ के अगर चले जाते हैं, देन स्टिल कंपनी की अपनी पॉलिसीज होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म्स होते हैं, उसका एक अपना एग्जिस्टेंस होती है, वो चलती रहती है, उसके मेंबर्स के आने और जाने से उसकी एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। इट कंटिन्यूज टू बी एग्जिस्टेंस इवन इफ ऑल द पर्संस हु प्रमोटेड इट लीव्स और डेजर्ट इट और गिव अप देयर मेंबरशिप। नाउ हेंस एज अ कॉर्पोरेट बॉडी इट एंजॉयज परपेचुअल एग्जिस्टेंस व्हिच मींस इट विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अनलेस एंड अंटिल कंपनी अपना प्रॉफिट कमा रही है, चल रही है, वो चलती रहेगी। Being a stable form of organization, it is suitable for such businesses. So, हमारा जो joint stock company है, it is suitable for such business activities which require a long period to establish and consolidate. तो ये appropriate business होती है जो कोई बड़ा business खोलना चाहता है, और दूसरा वो business जिसमें कि जिसको कि खड़ा करने में एक लंबा time लगता है, उसके लिए ये perfect business organization, form of business organization. नेक्स्ट हमारी जो मैरिट है, दैट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। नाउ जॉइंट स्टॉक कंपनी हमने कहा उसका जो कैपिटल होता है दैट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल शेयर्स और स्मॉल डिनोमिनेशंस, और उसमें ये भी एडवांटेज होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो शेयर्स में अपना पैसा लगाते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, वो कभी भी अपने शेयर को बेच सकते हैं। The right of the shareholders of public companies to transfer the shares held by them imparts liquidity to the investments and thereby encourage investment of funds in the company. इससे क्या होता है कि हमारा जो shareholder है उसे पता है मेरे पास कुछ पैसा पड़ा हुआ है, I want to invest it somewhere, उस shares में लगा सकता है क्योंकि उसे पता है कभी भी मुझे अगर पैसे की requirement होती है तो I can even sell of the shares and I'll get my liquidity back. So this is also one of the attraction for the shareholders. The existence of the stock exchange and continuity of operations is in facilities. It facilitates further the transferability of shares, especially in respect of those which are listed in the stock exchange. हमारा stock exchange होता है BSE, NSE, वहां पर आप अपने shares को बेच सकते हो, खरीद सकते हो। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द अट्रैक्शन कि आपका पैसा लिक्विड फॉर्म में ही रहता है व्हेन यू इन्वेस्ट इन शेयर्स। नाउ नेक्स्ट हमारा बेनिफिट है बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल इक्विटी। हमने अभी तक यही पढ़ा है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, बड़ी कंपनी होती है, विच मीन्स कि उसके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, बहुत सारे लोग काम करने वाले होते हैं, तो इट हेल्प इट और उसी तरीके का बिजनेस होता है जिसमें कि लार्ज स्केल जिसमें कि बड़े बिजनेस हमें चाहिए होते हैं। नाउ अ कंपनी इज इन पोजीशन टू रेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड थेरेबाय अंडरटेक लार्ज स्केल ऑपरेशन। अब इस जॉइंट स्टॉक कंपनी के पास हमने फर्स्ट मेरिट पढ़ा था कि लार्ज कैपिटल, तो लार्ज कैपिटल होता है तो आप लार्ज अमाउंट ऑफ आप बड़ा बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हो, और जब आप एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट करते हो तो हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाता है उसमें, लार्ज स्केल ऑपरेशंस में इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसका मतलब होता है कि आप जैसे जितना ज्यादा प्रोड्यूस करते हो उतना आपका पर यूनिट कैपिटल, पर यूनिट प्राइस कम होता जाता है। द लार्जनेस ऑफ द ऑपरेशन रिजल्ट्स इन इकोनॉमीज इन प्रोडक्शन। इकोनॉमीज इन प्रोडक्शन का मतलब होता है, मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक मशीनरी से एक मशीनरी कैपेसिटी में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर हम उससे अगर हमारा छोटा बिजनेस है और अगर हम सिर्फ 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारा जो पर यूनिट कॉस्ट होगी 10 वो हमारी ज्यादा होगी। अगर हम उससे मैक्सिमम 100 यूनिट तक प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा वो जो पर यूनिट कॉस्ट होती है वो कम होती जाती है, बिकॉज जो हमारा हमारी जब भी कोई भी कॉस्ट होती है उसमें दो तरह की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट होती है। इसको मैं दूसरे एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल है जो रेंट पे रहता है, मान लो उसने एक रूम ले रखा है और वो वहाँ पे रेंट पे रहता है, उसका रेंट है 5,000 रुपीज, तो पर मंथ उसे 5,000 रुपीज अगर रेंट पे करना होता है, मान लो 5,000 रुपीज उसकी अपनी पर्सनल एक्सपेंडिचर होती है अदर ग्रोसरीज एंड ऑल की,
टोटल उसका एक्सपेंडिचर 10,000 रुपीज तक का है महीने का। तो मान लो कर वो एक और पर्सन को ले आते हैं और अपने घर पे अपने साथ में शेयरिंग करने लगते हैं उसमें भी, तो क्या हो जाएगा उसका जो महीने का 5,000 रुपीज ग्रोसरीज एंड ऑल उसका जो लिविंग कॉस्ट है वो तो लगेगी ही लगेगी, बट उसका जो रूम की कॉस्ट होगी जो 5,000 वो आज पे करता था वो अगर एक और उसके साथ शेयर करने लग जाएगा तो उसे 2,500 पे करना पड़ेगा, विच मीन्स कि इस महीने उसका क्या होगा 2,500 रुपये बच जाते हैं। और मान लो ऐसे ही अगर वो लोग 3 लोग उस रूम को शेयर करने लगते हैं अगेन द कॉस्ट विल गेट डिवाइडेड। तो इस तरीके से क्या होगा कि उस रूम की कैपेसिटी होगी उस मान लो उस रूम में 4 लोग आराम से लोग रह सकते हैं, तो 4 लोग तक उस रूम में जब तक लोग आएंगे तब तक उसका पर यूनिट कॉस्ट क्या होती जाएगी कम होती जाएगी। तो वैसे ही हमारे प्रोडक्शन में भी होता है कि हमारी प्रोडक्शन में कुछ फिक्स्ड कॉस्ट, जिसे हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, जैसे हमने कहा रूम रेंट ये फिक्स्ड कॉस्ट है, हम चाहे उसमें 1 लोग रहे चाहे 4 लोग रहे हमें पे 5,000 ही करना है, ठीक है। तो वैसे ही हमारी एक मशीनरी के लिए कैपेसिटी होती है, मान लो 1,000 यूनिट एक मशीनरी की कैपेसिटी है और उसका रेंट अगर हम 5,000 दे रहे हैं तो 1,000 यूनिट तक प्रोड्यूस करने के लिए हमें 5,000 ही देना है, या जिस रूम में हम अपना बिजनेस चला रहे हैं उसका रेंट अगर हमें 5,000 देना है तो उसमें हम एक हम थोड़ा सा सामान रखें बहुत सारा सामान रखें हमें रेंट 5,000 ही देना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ प्रोडक्शन, विच मीन्स कि अगर हम उसमें ज्यादा चीजें रखेंगे वो जो हमारा रेंट है वो डिवाइड होता जाएगा और हमारी पर यूनिट कॉस्ट हर प्रोडक्ट की कम होती जाएगी। अगेन इन द सेम केस परचेसिंग में भी यही होता है, अगर हम 1 यूनिट खरीदते हैं तो हमें हमेशा महंगी चीज मिलती है, अगर हम उसी की 100 यूनिट्स खरीदेंगे तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट हमें कम मिलेगी, बल्क में जब भी परचेसिंग करते हैं तो हमारी प्राइस कम हो जाती है, ठीक है। सेल्स में, मैनेजमेंट में, एडवर्टाइजिंग में, तो हर जगह हमारा ये जो इकोनॉमी जो स्केल हम इसे कहते हैं कि प्रोडक्शन जब भी ज्यादा हो जाता है तो हमें क्या होता है हमारी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है वो कम होती जाती है। दिस इन टर्न लीड्स टू इंक्रीज एफिशिएंसी, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंसी को बढ़ाता है, इसका मतलब कम इनपुट डालने से ज्यादा आउटपुट निकलता है, द कॉन्सिक्वेंट इज रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अल्टीमेट हमारा जो बेनिफिट होता है कि हमारा जो पर यूनिट कॉस्ट होती है जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है, हमने जो सामान खरीदा है वो भी इतने सस्ते में मिला है, हम जो बेच रहे हैं वो भी हमारा बल्क में निकल रहा है, हमारा एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी कम लग रहा है, हमारा जिस इकोनॉमीज ऑफ प्रोडक्शन भी हो रहा है, इकोनॉमीज ऑफ प्रोडक्शन अगेन हमारा जो प्रोडक्शन करने में कम पैसे लगेंगे, अगेन हमने जो ह्यूमन रिसोर्स हायर किए हैं वो 8 घंटे काम कर पाएंगे, तो विच मीन्स कि हर चीज अच्छे से यूटिलाइज हो पाएगी, तो हमारा जो प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है वो हमेशा पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं जब भी लास्ट ही प्रोडक्शन किया जाता है तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन से हमारा दिस बेनिफिट हमें ये रहता है कि हमारी जो चीजें प्रोड्यूस होती है उनका कॉस्ट कम आती है, तो विच इन्हांसेस द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो नेक्स्ट है हमारा प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो हमने कहा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास में पैसा बहुत है, पैसे की कैपिटल की कोई कमी नहीं है, तो दैट इज व्हाई वी कैन हायर ऑल दोस, और ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज मैनेज्ड बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर्स, तो हम इसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन द लार्जेस्ट ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्स इन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस प्रॉम्प्ट द कंपनी टू हायर सर्विसेज ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर्स both on the board of directors or in various management positions। हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट पोजिशन में भी हम क्या कर सकते हैं, मैनेजिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हम चूज करते हैं उनको भी हम प्रोफेशनल हायर कर सकते हैं, हम अपने मैनेजिंग पोजिशंस में भी प्रोफेशनल्स हायर कर सकते हैं। प्रोफेशनल मैनेजर्स का मतलब वो लोग जिन्होंने स्पेशलाइज स्किल्स या स्पेशलाइज ट्रेनिंग ली है उस एरिया में या स्पेशलाइज कोर्सेस किए हैं जिनको उस एरिया के उस स्पेशलाइज्ड एरिया के बारे में ज्यादा नॉलेज है। प्रोफेशनल मैनेजर्स बाय अप्लाइंग देयर मैनेजरल स्किल्स एंड टैलेंट हेल्प द कंपनी अचीविंग ग्रेटर हाइट्स ऑफ एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ इन रिलेशन टू द राइवल, विच मीन्स कि हमारे जो मैनेजरल स्किल्स जिनके पास है जिनके पास है उस स्पेशलाइज्ड फील्ड से रिलेटेड
अच्छी स्किल्स अवेलेबल है तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या करती है, हमारे कॉम्पिटिटर से ज्यादा अच्छे से मैनेज करने में हेल्प करती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेरिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ वी आर गोइंग टू द डिमेरिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एज एवरीथिंग हैज इट्स ओन डिमेरिट्स एज वेल। नाउ पहला आता है डिफिकल्ट एंड कॉस्टली फॉर्मेशन। हमारा जो जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो फॉर्मेशन होता है दैट इज क्वाइट टफ, यू कैन से हमें बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है। इट इज जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है दैट इज कंपनीज एक्ट 1956 बना हुआ है, प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट में प्रोविजन है। उस प्रोविजन के अंदर जो जो गाइडलाइंस हमें दी हुई है, जो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो जो लीगल फॉर्मेलिटीज है, वो सारी हमें पूरी करनी पड़ती है, तब जाके हमारी जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्मेशन होती है। तो द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी रिक्वायर्स फुलफिलमेंट ऑफ अ नंबर ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। हमें बहुत सारे सेंक्शंस लेने पड़ते हैं, बहुत सारे अप्रूवल्स लेने होते हैं। फॉर दिस पर्पस प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट आर टू बी कम्प्लाइड विद। प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट में हमें सारी फॉर्मेलिटीज, रूल्स, रेगुलेशन बनाए हुए, हमें उनके अकॉर्डिंगली ही सारी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर पूरा करना पड़ता है। लार्ज अमाउंट्स आर टू बी स्पेंट इन फुलफिलिंग डिलीवरीज, और इसके लिए हमें बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन, व्हिच मींस दैट इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव प्रोसेस एज वेल। इन एडिशन इट इज टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो, एज वेल एज अ नंबर ऑफ सेंक्शंस एंड अप्रूवल्स आर टू बी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट अथॉरिटीज बिफोर अ कंपनी गेट्स गोइंग। तो हमें अथॉरिटी से, डिफरेंट अथॉरिटी से हमें क्या सेंक्शंस एंड अप्रूवल्स लेने होते हैं, विच इज टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो। दीज डिफिकल्टीज इन टर्म्स ऑफ फुलफिलिंग लीगल फॉर्मेलिटीज, टाइम रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट देम एंड मनी नीडेड टू अंडरटेक ऑल दीज फॉर्मेलिटीज एट टाइम्स डिस्करेज पीपल फ्रॉम गोइंग इन टू दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इट इज एक्सपेंसिव प्रोसेस, and it has a long like a list of formalities and procedures that are to be followed, so at times it discourages people who are going opting for this form of organization. Now next what are the disadvantages? Lack of personal touch means conflict of interest between ownership and management of the joint stock company, the affairs of the company are managed by the professional managers, which can, in this we can say that there is no direct relationship between the efforts and rewards. Agar hum ise compare kare this sole proprietorship and partnership firm mein, sole proprietorship mein kya hota hai ki ek individual hai, uska apna business hai, wo apne wo usko jitna bhi revenue aata hai wo uske paas mein aata hai, profit jitna bhi hota hai wo uska pura hota hai। तो दैट एफर्ट, उसे पता है कि मैं जितना ज्यादा एफर्ट्स करूंगा उतना ज्यादा प्रॉफिट आएगा और उतना ना मेरा बेनिफिट होगा, तो वो उसमें ज्यादा मेहनत से काम करता है। ठीक है, इन केस ऑफ पार्टनरशिप ऑल्सो जो भी रेजिडुअल होता है वो सारा पार्टनर्स में डिवाइड होता है। तो दैट ऑल्सो गिव्स निर्देश की डायरेक्ट एफर्ट एंड इन्वॉल्व रिलेशनशिप है, वो कस्टमर से डायरेक्टली रिलेट करते हैं, डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, और वो लोग डायरेक्टली कस्टमर्स के इन टच में आते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, ग्रीवेंसेस है, तो उनको वो उस तरीके से मैनेज करते हैं। लेकिन दिस जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो ओनर्स होते हैं, दीज आर शेयर होल्डर्स, जो मैनेजर्स होते हैं, जो मैनेजमेंट होता है, दो दे आर मैनेजिंग डायरेक्टर्स। तो इस तरीके से जो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स का, वो इसमें नहीं होता है। द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर मैनेज बाय द प्रोफेशनल मैनेजर्स, उनको तो सैलरी मिलनी है जितना भी, तो दैट वो एफर्ट एंड रिवॉर्ड रिलेशनशिप में जो मोटिवेशन होता है दैट इज लैकिंग, दैट पर्सनल टच इज लैकिंग इन टर्म्स ऑफ कि हमें कस्टमर्स को जितने अच्छे से हैंडल करेंगे उतना हम कस्टमर्स को रिटेन करके रख पाएंगे, उस तरह का मोटिवेशन भी लैकिंग होता है इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। दिस मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक ऑफ पर्सनल इन्वॉल्वमेंट एंड स्टेक with characterized sole and partnership forms of business organizations. तो हमारा जो personal involvement होता है वो business के साथ में उतना नहीं होता है जैसा कि sole proprietorship या partnership form of business में होता है, because वहाँ पे direct effort and reward relationship होता है।
नाउ नेक्स्ट हमारा डिसएडवांटेज है ओलिगार्चिक मैनेजमेंट। ओलिगार्चिक मैनेजमेंट का मतलब होता है कि मैनेजमेंट इन फैमिलीज। इसका मतलब ये होता है कि एक मैनेजमेंट है कंपनी, द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी विच इज सपोज टू बी कंडक्टेड एज पर द डिजायर्स ऑफ द शेयर होल्डर्स और ओनर्स टर्न आउट टू बी हेटिंग इन ऑफ अ फ्यू हैंड्स। इसको ऐसे समझते हैं, अभी तक हमने ये पढ़ा है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है उसमें जो इन्वेस्टमेंट आता है वो शेयर होल्डर्स लाते हैं, शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं, बट जो बिजनेस को चलाता है वो उनके द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिनको हम मैनेजिंग डायरेक्टर्स कहते हैं और बिजनेस को मैनेजिंग डायरेक्टर्स ही चलाते हैं। नाउ हमने कहा कि जो शेयर होल्डर्स और ओनर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसके पास एक शेयर होल्डर है वो भी ओनर है, जिसके पास 100 शेयर होल्डर है वो भी ओनर है, जिसके पास 1000 शेयर होल्डर है वो भी ओनर है। बट हम बट इन प्रैक्टिकल सेंस ऑल दोज पीपल हु हैव इन्वेस्टेड अ लार्ज सम ऑफ मनी इन वन ऑर्गेनाइजेशन, जिसने मान लो 1000, 2000, 5000 शेयर खरीदे हैं एक कंपनी के, या जो एक बहुत बड़ा जिसने एक ह्यूज अमाउंट एक कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो बेसिकली पावर उनके पास रहती है फ्यू पीपल हु हैव इन्वेस्टेड दिस ह्यूज सम ऑफ मनी इन वन ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली वही लोग उस कंपनी को चला रहे होते हैं, बाकी जो शेयर होल्डर्स होते हैं जिसने एक शेयर, जिसने 1000 रुपए शेयर इन्वेस्ट किया, जिसने 5000 इन्वेस्ट किया, वो लोग बेसिकली सिर्फ उनको पता है कि हमें हर साल प्रॉफिट मिल जाएगा। दे नेवर अटेंड एनी जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है या कभी वोटिंग पावर का अपना यूज नहीं करते हैं। तो बेसिकली इन दिस इन प्रैक्टिकल सेंस दैट जॉइंट स्टॉक कंपनी इज रन बाय द फ्यू हैंड्स, या हम कह सकते हैं कि कुछ जो लोग एक मोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो कंपनी उन्हीं के द्वारा ही चलाई जा रही होती है। इन थ्योरी एवरी शेयर होल्डर हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट इन एनुअल जनरल मीटिंग एंड अदर मीटिंग्स ऑफ द कंपनी, टू एक्सरसाइज हिज राइट्स टू इलेक्ट डायरेक्टर्स, अपॉइंट ऑडिटर्स एंड पार्टिसिपेट इन अदर मैटर्स। हर किसी के पास में जो भी शेयर होल्डर्स है उसके पास में ये सारे राइट्स होते हैं, बट मोस्टली बिकॉज ऑफ कि उनको नॉलेज नहीं है या फिर इतना टाइम नहीं है या दे आर नॉट इंटरेस्टेड, किसी न किसी वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट अटेंड ऑल दीज एनुअल जनरल मीटिंग्स। वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बट इन प्रैक्टिस कंपनीज आर मैनेज बाय स्मॉल नंबर ऑफ पर्सन हु कैन परपेचुएट देयर ओवर द कंपनी फॉर इयर्स टू इयर्स, क्योंकि वो उनके पास उनके साथ में वो कंपनी बहुत समय से चलती चली आ रही थी, बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड लॉट ऑफ मनी इन दैट कंपनी। दिस इज बिकॉज ऑफ सेवरल फैक्टर्स लाइक लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑन द पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, लो लिटरेसी हो सकती है लेवल अमंग द शेयर होल्डर्स, और लैक ऑफ इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द कंपनी। दैट इज व्हाई that has been, we say it is one of the disadvantages that company is as such. In theory we say ki every shareholder is the owner of the company, but that the company is basically managed by the few hands, ya hum keh sakte hain kuch log hi hai jo us company ko chala rahe hote hain, aur unke accordingly hi company chal rahi hoti hai. Hope you would have understood what are the merits and demerits of a joint stock company. If you like the video, please subscribe, share and like button.